दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी। आईजी कानून व्यवस्था विजय भूषण का बयान, दिल्ली सीमा से लगे जिलों में विशेष एहतियात बरती जा रही है, खासतौर पर गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ में भी पैनी नजर बनाए हुए है पुलिस, बुलंदशहर में भी, संभल, बागपत, मुजफ्फरनगर में विशेष सावधानी के निर्देश दिए गए हैं, अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली, खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में उपद्रवियों ने जिस तरीके से हिंसा की, उत्पात मचाया, हिंसा में 10 लोगों के आसपास लोग मारे गए, और उसके बाद क्योंकि सटी हुई सीमा गाजियाबाद की, पहले से ही पुलिस वहां पर मुस्तैद थी, और अब आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह साफ कर दिया है कि कई जिलों को अलर्ट जारी किया गया है, एक्स्ट्रा फोर्स वहां भेजी जा रही है, किसी भी तरीके से दंगाई उत्पाती सड़कों पर ना उतरे, किसी तरीके की गलत हरकत को अंजाम ना दे। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट, संभल, बागपुर, मुजफ्फरनगर। तो आईजी साहब का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के जो बॉर्डर जनपद हैं, विशेषकर नोएडा और गाजियाबाद, बागपत और हापुड़, इनमें और विशेषकर अन्य जनपद जैसे अलीगढ़, संभल, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में जो है, इनमें एहतियात बरते जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ पर जो है फोर्स का असेसमेंट करने के लिए और उपकरणों की सुचारू व्यवस्था करने के लिए और वहाँ पर कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मुख्यालय से भेजा जा रहा है। एक्स्ट्रा फोर्स इन जनपदों को पीएसी के रूप में उपलब्ध कराई गई है और वहाँ पर समस्त अधिकारी उसे लगातार टच में हैं। हमारा लोनी का जो क्षेत्र है, जनपद गाजियाबाद का, उससे लगा हुआ क्षेत्र जो दिल्ली प्रदेश का है, वहाँ पर हिंसा होने की सूचना प्राप्त हुई है, परंतु उत्तर प्रदेश में पूर्णतः शांति बहाल है, व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है और एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है।